के कुख्यात अपराधी डॉन मुन्ना बजरंगी की हत्या हो गई। जानिए कौन था मुन्ना और कैसा था इसका इतिहास। पूर्वांचल की कुख्यात माफिया डॉन प्रेम प्रकाश उर्फ मुन्ना बजरंगी की बागपत जेल में गोली मारकर हत्या कर दी गई। आज उसकी बागपत कोर्ट में पेशी होनी थी और इसी के लिए उसे झांसी से बागपत लाया गया था। कुख्यात सुनील राठी और विक्की सुनहेड़ा के साथ उसे तन्हाई बेरक में रखा गया था। बीएसपी के पूर्व विधायक लोकेश दीक्षित से रंगदारी मांगने के मामले में बागपत कोर्ट में मुन्ना की पेशी होनी थी आज। मुन्ना बजरंगी की पत्नी पहले ही लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हत्या की आशंका जता चुकी थी। इससे पहले झांसी जेल में भी मुन्ना पर हमला हो चुका था। कौन है मुन्ना बजरंगी? आपको बता दें कि मुन्ना बजरंगी का असली नाम प्रेम प्रकाश सिंह है। उसका जन्म 1967 में उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के पूरे दयाल गांव में हुआ था। उसके पिता पारसनाथ सिंह उसे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाने का सपना सोचे थे, मगर प्रेम प्रकाश मुन्ना बजरंगी ने उनके अरमानों को कुचल दिया। उसने 5वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ दी और किशोर अवस्था तक आते आते उसे कई ऐसे शौक लग गए जो उसे जुर्म की दुनिया में ले जाने के लिए काफी थे। जुर्म की दुनिया में पहला कदम जब रखा मुन्ना ने तो मुन्ना की उम्र मात्र 17 साल की थी। नाबालिग उम्र में ही उसके खिलाफ पुलिस में मुकदमा दर्ज हो गया था। जौनपुर के सुरही थाना में उसके खिलाफ मारपीट और अवैध असलाह रखने का मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद मुन्ना ने कभी पलट कर नहीं देखा। वह जयराम के दलदल में, यानी कि उस दलदल में धंसता चला गया जिसे अपराध कहते हैं, जिसे अपराधी कहते हैं, और अपराध के कुख्यात दलदल में धंसता चला गया। 80 के दशक में की थी पहली हत्या। आप बता दें कि मुन्ना बजरंगी अपराध की दुनिया में अपनी पहचान बनाने की कोशिश में लगा था। इसी दौरान उसे जौनपुर के स्थानीय दबंग माफिया या गजराज सिंह का संरक्षण हासिल हो गया। मुन्ना उसके साथ काम करने लगा था। इसी दौरान 1984 में मुन्ना ने लूट के लिए व्यापारी की हत्या कर दी थी। उसके मुंह में खून लग गया था। उसके बाद उसने गजराज के इशारे पर ही जौनपुर के भाजपा नेता रामचंद्र सिंह की हत्या करके पूर्वांचल में अपना दमखम दिखाया। उसके बाद उसने कई लोगों की हत्या की। इसमें हत्याओं में न जाने कितने ही लोगों की हत्या शामिल है। इसी बीच मुख्तार अंसारी की गैंग में भी शामिल हुआ था मुन्ना बजरंगी। पूर्वांचल में अपनी साख बढ़ाने के लिए मुन्ना बजरंगी 90 के दशक में पूर्वांचल के बाहुबली माफिया और राजनेता मुख्तार अंसारी की गैंग में शामिल हो गया। यह गैंग मऊ से संचालित हो रहा था, लेकिन इसका असर पूरे पूर्वांचल में था। मुख्तार अंसारी ने अपराध की दुनिया में राजनीति में कदम रखा। अपराध की दुनिया से चलते चलते राजनीति का सफर मुख्तार अंसारी ने तय किया था। 1996 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर मऊ से विधायक निर्वाचित हुए। इसके बाद इस गैंग की ताकत बढ़ गई। मुन्ना सीधे सरकारी ठेके को प्रभावित करने लगा था। वह लगातार मुख्तार अंसारी के निर्देशन पर काम कर रहा था। ठेकेदारी और दबंगई, इन दोनों के सहारे चल रही थी मुन्ना की कुख्यात आपराधिक यात्रा। आपको पता चले पूर्वांचल में सरकारी ठेकों और वसूली के कारोबार पर मुख्तार अंसारी का कब्जा था, लेकिन इसी दौरान तेजी से उभरते बीजेपी के विधायक कृष्णानंद राय ने उनको चुनौती दी थी। उन पर मुख्तार के दुश्मन ब्रजेश सिंह का हाथ था। उसी के संरक्षण में कृष्णानंद राय का गैंग पल फूल रहा था। उसी बीच दोनों गैंग अपनी ताकत बढ़ा रहे थे। इनके संबंध अंडरवर्ल्ड के साथ भी जुड़ गए थे। कृष्णानंद राय का बढ़ता प्रभाव मुख्तार को रास नहीं आ रहा था। मुख्तार को जब रास नहीं आया तो मुख्तार ने मुंजरा बजरंगी को इशारा किया और मुन्ना बजरंगी ने कृष्णानंद राय की हत्या कर दी। मुन्ना ने भी भाजपा विधायक की हत्या की थी। इसमें आपको पूरी तरह हम बता दें कि किस प्रकार से यह हत्या हुई थी। मुख्तार से फरमान मिल जाने के बाद मुन्ना मजरंगी ने भाजपा विधायक कृष्णा रंग राय को खत्म करने की साजिश की। उसी के चलते 29 नवंबर 2005 को माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के कहने पर मुन्ना बजरंगी ने कृष्णा राय को दिन दहाड़े मौत की नींद सुला दिया। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर लखनऊ हाईवे पर कृष्णानंद राय की 2 गाड़ियों पर AK-47 से 400 गोलियां बरसाई थी। इस मामले में गाजीपुर विधायक कृष्णानंद राय के अलावा उनके साथ चल रहे 6 अन्य लोग भी मारे गए थे। पोस्टमार्टम के दौरान हर मृतक के शरीर से 60 से 100 गोलियां बरामद हुई थी। इस हत्या से ने सूबे की सियासत में हल्का मचा दिया था। पूरा का पूरा सियासी महकमा
दहशत में आ गया था। हर कोई मुन्ना बजरंगी के नाम से खौफ खाने लगा था। इस हत्या को अंजाम देने के बाद वह मोस्ट वांटेड बन गया था। 7 लाख का इनामी था मुन्ना बजरंगी। भाजपा विधायक की हत्या के अलावा कई मामलों में उत्तर प्रदेश पुलिस, ATS और CBI को मुन्ना बजरंगी की तलाश थी, इसलिए उस पर 7 लाख का इनाम भी घोषित किया गया था। हत्या, अपहरण और वसूली के नाम पर मामलों में कई सारे मामले के साथ मुकदमे दर्ज थे। वो लगातार अपनी लोकेशन बदलता रहा और पुलिस पर दबाव पड़ता रहा। मुंबई में जब पनाह ली तब मिला। नाटकीय अंदाज में जब पुलिस ने पकड़ा और तब मुंबई में मिला था ये मुन्ना बजरंगी। देखिए कैसे दरअसल UP पुलिस और ATS लगातार मुन्ना बजरंगी को तलाश कर रही थी। उसका यूपी और बिहार में रह पाना मुश्किल हो गया था। दिल्ली भी उसके लिए सुरक्षित नहीं थी, इसलिए मुन्ना भाग कर मुंबई चला गया। एक लंबा अरसा वहीं गुजरा। इस दौरान उसका कई बार विदेश जाना भी होता रहा। उसके अंडरवर्ल्ड के लोगों से रिश्ते भी मजबूत होते जा रहे थे। वहीं मुंबई से ही फोन पर अपने लोगों को दिशा निर्देश देता रहा था। राजनीति में भी आजमाई थी किस्मत। एक बार मुन्ना ने लोकसभा चुनाव में भी गाजीपुर लोकसभा सीट पर एक बड़ी उम्मीदवार खड़ा करने की कोशिश मुन्ना बजरंगी एक महिला को गाजीपुर से भाजपा टिकट दिलवाने की कोशिश कर रहा था। इस चलते मुख्तार अंसारी के साथ संबंध भी खराब हो रहे थे। यही वजह थी कि मुख्तार उसके लोगों की मदद भी नहीं कर रहे थे। BJP से निराश होने के बाद मुन्ना बजरंगी ने कांग्रेस का दामन थामा। कांग्रेस के एक बड़े नेता ने भी शरण दी और वही शरण वो कांग्रेस के बड़े नेता जौनपुर के ही रहने वाले थे, मगर मुंबई में रहकर सियासत करते थे। मुन्ना बजरंगी ने महाराष्ट्र विधानसभा में नेताजी को सपोर्ट भी किया था। उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में मुन्ना बजरंगी के खिलाफ मुकदमे दर्ज थे। वह पुलिस के लिए परेशानी सबब बन चुका था। उसके खिलाफ सबसे ज़्यादा मामले उत्तर प्रदेश में दर्ज। लेकिन 29 अक्टूबर 2009 को दिल्ली पुलिस ने मुन्ना बजरंगी को मुंबई के मलाड इलाके में नाटकीय ढंग से गिरफ्तार कर लिया था। माना जाता है कि मुन्ना को अपने एनकाउंटर का डर सता रहा था, इसलिए उसने खुद एक योजना के तहत दिल्ली पुलिस से अपनी गिरफ्तारी कराई थी। मुन्ना की गिरफ्तारी के इस ऑपरेशन में मुंबई पुलिस को भी ऐन वक्त पर शामिल किया गया था। बाद में दिल्ली पुलिस ने कहा था कि दिल्ली के विवादास्पद एनकाउंटर स्पेशल राजवीर सिंह की हत्या में मुन्ना बजरंगी का हाथ होने का शक है, इसलिए उसे गिरफ्तार किया गया। तब से उसे अलग अलग जेल में रखा जा रहा है। इस दौरान उसके जेल में लोगों को धमकाने, वसूली करने जैसे मामले भी सामने आ रहे थे। मुन्ना बजरंगी का दावा है कि उसने अपने 20 साल के आपराधिक जीवन में 40 हत्याएं की। खैर, इन सब इतिहासों को जानने के बाद में एक बात तो साफ है कि अपराध की दुनिया में मुन्ना बजरंगी का अलग ही दमखम था। उसका नतीजा ये निकला कि इस बार वो बच नहीं सका और बागपत की जेल में मुन्ना बजरंगी की हत्या कर दी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था है किस प्रकार। एक जेल के अंदर किसी अपराधी को इस तरह भून दिया जाता है और अब पुलिस खड़े देखती रहती है या पुलिस के संरक्षण में हो जाता है। खैर, इन सब बातों के बावजूद उत्तर तो यही आता है और निष्कर्ष ये निकलता है कि इस समय मुन्ना बजरंगी की हत्या हो चुकी है और मामले को संज्ञान में लेते हुए तत्काल वहां पर निलंबन का अधिकार शुरू हो चुका है। अब देखना ये होगा कि आगे होता क्या है।